So, this is the same title but, but, but with the different features Islamic law of contract. According to Islamic laws, contracts can be divided into initially two types compensatory contracts and non compensatory contracts. Compensatory contracts. में आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं कि जिसमें दोनों तरफ से गिव एंड टेक का मामला होता है जैसे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर एक तरफ से कोई किसी चीज को दे रहा है तो उसके बदले में कोई चीज ले रहा है मॉनिटरी भी हो सकता है अगर ये नॉन मॉनिटरी होगा तो उस सूरत में दूसरी तरफ से कोई चीज ही एक्सचेंज की जा रही होगी कोई शे होगी और अगर मॉनिटरी होगा तो एक तरफ से कोई शे होगी और दूसरी तरफ से इसके बदले में वो करेंसी होगी नॉन कम्पन्टरी कॉन्ट्रैक्ट ये वन वे होता है जिसमें एक ही तरफ से कुछ दिया जा रहा होता है और दूसरी तरफ से उसके बदले में Uh, कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है इन दोनों की एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कंपनसेटरी हो लाइक like सेल और अगर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन कंपनसेटरी हो जैसे कि गिफ्ट और इबा। इश्यूज़ ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर बाउंड टू चेंज ड्यू टू चेंजिंग सरकमस्टेंसेस

मौजूद होती हैं नंबर वन कॉन्ट्रैक्टर्स का होना कि दोनों तरफ से जो गिवर है उसकी तरफ से भी और जो रिसीविंग एंड पे है उसकी तरफ से भी इन दोनों का मौजूद होना जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम दे रहे हैं कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड नंबर टू सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर को हम गुड्स भी कहते हैं इसे हम कमोडिटीज भी कहते हैं और इसे हम सर्विसेज़ भी कहते हैं मबी यानी वो चीज जिसके ऊपर दो पार्टीज के दरमियान कोई मुहिदा तय पाया जा रहा है आया वो चीज क्या है मुमकिन है कि वो गुड्स की फॉर्म में हो मुमकिन है वो कमोडिटीज की फॉर्म में हो और ये भी मुमकिन है कि वो सर्विसेज की फॉर्म में हो जैसे कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेंसी ले सकते हैं अब यहां पे न गुड्स हैं न कमोडिटीज हैं बल्कि ये जो एडवाइजरी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान या दो कंपनीज के दरमियान होगा तो ये सर्विसेज के ऊपर होगा

पेमेंट का कोई भी मोड हो सकता है दिस इज वॉट नोन एज कंसिडरेशन और कंपनसेशन एंड द फोर्थ थिंग इज वर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग क्या है चूंकि इंसान या तो पास्ट टेंस यूज करता है या प्रेजेंट यूज करता है या फ्यूचर यूज करता है वर्डिंग उसके लिए इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं कि वो वर्डिंग्स ही डिफाइन करेंगी कि उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है द पार्टीज टू शुड बी नंबर वन लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इंटू ए कॉन्ट्रैक्ट सो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड दस्ट प्रिंसिपल इज के लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इंटू ए कॉन्ट्रेक्ट दैट इज दे शुड भी लीगली अलाउड टू अंडरटेक द्रांजेक्शन यानि कानून उन्हें उस एक्ट की इजाजत देता हो या कानून उन्हें उस काम के करने की इजाजत देता हो और कानूनी तौर पर कोई सुखम मौजूद ना हो दिस इज बेसिकली ए जनरल वर्ड विच रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड वी विल एक्सप्लेन दिस फर्दर दार्टीज टू ए शुड बी मेच्योर जहां पर दोनों का लीगली इस काबिल होना जरूरी है कानूनी तौर पे कि वो किसी मुआदे के करने की सलाहियत रखते हों और उसके अहल हों उसी के साथ साथ उनकी मेच्योरनेस भी बहुत जरूरी है विच इज मेजर्ड लार्जली बाई टू एस्पेक्ट नेमली प्रूडेंस एंड पुबर्टी पुबर्टी एंड प्रूडेंस प्रूडेंस मींस होशियारी एंड पुबर्टी मीन्स बलूगत यानी दोनों तरफ से जो पार्टी हैं वो मेच्योर भी हों और इसी के साथ साथ बालग भी हों यानी हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि उनका आक़िल और बालग होना भी बहुत ज़रूरी है वट कुरान सेज इन दिस रिगार्ड वालफहामालकुम अलती जालल क़िमा And do not give your wealth to the simpletons which Allah has made a source of economy for you and feed them from it and clothe them also lahum Marufa and advise them a good manner. In other words of Quran दी प्रीवियस वन वॉज वर्ष नंबर फाइव ऑफ सूर दिस इज वर्ष नंबर सिक्स डिस्कसिंग टू थिंग्स वलुल यतीमों को जिनके वालिद ना हो सरप्रस्त ना हो आप उन्हें आजमाते रहे हता इजा बलगुन निकाह यहां तक के वो पहुंच जाए निकाह की उम्र को यानी आकिल होना फ इन आनस तुम मिन हम रुश्तन फिर अगर तुम देखो उनमें होशियारी फतफाउ इले हम अम वाला हम तो फिर तुम दे दो उन्हें उनका माल तो जो दो कंडीशनस थी आक़िल की और बालिख की वो कुरान की इस आयत से सामने आ रही कि ऐसे लोग जिनका मालो दौलत बहुत हो मगर वालद का इंतकाल हो जाए बच्चे छोटे हों तो उनका माल उस वक्त तक हिफाजत के साथ रखने के लिए जो भी गार्डियन होगा तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कि वो उसको उस वक्त हैंड ओवर करेगा कि जब ये दो चीजें वो उनमें देख ले उससे पहले पहले उसकी क्या रेस्पांसिबिलिटीज हैं वला कलूह व वारन अकबरू और मत खाओ तुम उनका माल फजूल खर्ची करके या जल्दी जल्दी इस खदशे से कि ये कल को बड़े हो जाएंगे व मनकान गनीय फलफिफ और जो वेल ऑफ हो तो उसे चाहिए कि इससे बचे वमन कान फ़कीरन और अगर गार्डियन ऐसा हो कि वो वेल ऑफ ना हो बल्कि खुद गरीब हो और हाजतमंद हो तो वो उसमें से खा सकता है मगर फल कुल बिलमूफ वो दस्तूर के मुताबिक उसमें से इस्तेमाल कर सकता है फैज़ा दफा तुम इलेहिम और जब तुम उन्हें उनका माल दे दो फिद हिम तो फिर उस पर गवाह भी बना लो वकफा बल्ला हसीबा और हिसाब लेने के लिए अल्ला काफी है सो इस्लामिक लॉ अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग मैटर्स नंबर वन एबिलिटी टू डिलीवर नंबर टू लॉफुलनेस एंड नंबर थ्री एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट मैटर से मुतालिकरूरी है कि आप जिस चीज पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे डिलीवर करने की सलाहियत भी रखते हो। नंबर टू वो लॉफुल भी हो एंड नंबर थ्री वो एग्जिस्ट भी करती हो हवाई चीजों पर या ऐसी चीजों पर जिनका वजूद ही ना हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मोतबर है और ना ही किया जाता है और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है